दोनों जहानों का मालिक भी है, जो कुन कह के हर शय का खालिक भी है, उसे जिसके पाबंद शमसो कमर, जो शाफे भी है और राजिक भी है। माशाल्लाह दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग तंदुरुस्त होंगे और खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, आपकी जो दुआएं हैं वो रंग ला चुकी हैं। शियाबाई का ये जो मुबारक सफर है वो आज अपने मक्का शरीफ के बेहद करीब पहुंच चुका है। शियाबाई दोस्तों आज कहां पर रुके हुए हैं और शियाबाई का जो आज करंट लाइव लोकेशन है वो क्या है? शियाबाई दोस्तों कपला मक्का शरीफ में पहुंच जाएंगे। सब लोकेशन, सब जानकारी ए टू जेड आज की वीडियो में आपको जानने को मिलने वाली है। और उसी के हवाले से दोस्तों शियाबाई का बहुत खूबसूरत वीडियो आया है, वो वीडियो भी दोस्तों आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ, इसलिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं है और माशाल्लाह शियाबाई का आज तक का लाइव लोकेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। आपको बता दूं दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और रहम करम से शियाबाई का ये जो नेक और मुबारक सफर है उसे आज रवाना होते हुए 6 दिन पूरी तरीके से मुकम्मल होने वाले हैं। शियाबाई दोस्तों इन 6 दिनों में लगातार अपने इस खूबसूरत सफर को बहुत ही अच्छे से रवाना करा और शियाबाई दोस्तों लगातार अपने इस मुबारक सफर पर आगे को बढ़ते जा रहे हैं। शियाबाई के दोस्तों जो आज की करंट लाइव लोकेशन है वो क्या है उसके हवाले से मैं आपको बता दूं दोस्तों कि शियाबाई अल्हम्दुलिल्लाह जद्दा रोड पर पहुंचने वाले हैं। शियाबाई की जो दोस्तों एंट्री है वो जद्दा में होने वाली है। शियाबाई दोस्तों जैसे जैसे जद्दा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो शियाबाई के सफर में दोस्तों बहुत सारे शियाबाई के चाहने वाले आ रहे हैं और शियाबाई से अल्हम्दुलिल्लाह मुसाफा कर वहां से जा रहे हैं। शियाबाई अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों जब अपने सफर पर रवाना होते हैं तो शियाबाई के साथ बहुत ज्यादा भीड़ चलने लगती है, जिससे दोस्तों शियाबाई को धूप में सफर रवाना करने में दिक्कतों का सामना होता है, क्योंकि दोस्तों वहां पर बहुत ज्यादा क्राउड हो जाता है। दोस्तों अल्लाह से बस दुआएं करें कि शियाबाई के जो सफर है आसानी के साथ मुकम्मल हो जाए, क्योंकि दोस्तों शियाबाई का अब जो हज मुकर्रमा तक का जो सफर मुबारक बचा है वो अल्हम्दुलिल्लाह 230 किलोमीटर का बाकी है। शियाबाई बहुत जल्द दोस्तों अल्लाह के फजल करम से इस 230 किलोमीटर के सफर को जल्द से जल्द मुबारक तरीके से मुकम्मल कर लेंगे। शियाबाई के दोस्तों ये जो मुबारक वीडियो आया है, सबसे पहले दोस्तों आप ये वीडियो देखें। चलो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देख ही लिया कि शियाबाई दोस्तों किस तरह बहुत ही अच्छे से अपने मुबारक सफर को रवाना कर रहे हैं और शियाबाई दोस्तों एहराम बांधकर इस पूरे सफर को रवाना कर रहे हैं। शियाबाई के साथ दोस्तों जो सऊदी के शेख है तला भाई, वो भी आज अल्हम्दुलिल्लाह हज मुकर्रमा की तरफ शियाबाई के साथ बढ़ते जा रहे हैं और बहुत जल्दी दोस्तों शियाबाई अपने हज मुकर्रमा पर पहुंचकर सारी उम्मत के लिए, पूरी दुनिया के लिए बेइंतहा प्यारे प्यारे दुआएं करेंगे। और शियाबाई की दोस्तों ये जो दुआएं हैं ये अल्लाह अपनी बारगाह में जरूर कबूलता फरमाएंगे। तो दोस्तों आपकी भी हज पर जाने की तमन्ना है तो अल्लाह आपकी दुआओं को भी कबूल फरमाए और आपको भी हज पर जाने की तौफीक दे। तो आप लोग बस शियाबाई के हवाले से दिल से प्यारे प्यारे ऐसे ही दुआएं करते रहा करें। हम आप लोगों को शियाबाई का 2023 तक का पूरा पक्का और सच्चा लाइव लोकेशन इसी तरह देते रहेंगे, इसलिए दोस्तों आप लोग कहीं ना जाएं और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। जुड़ने के लिए दोस्तों नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं शियाबाई के अगले बिग अपडेट के साथ।